ఏకే తెలుగు మీడియా ప్రేక్షకులకు అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రచ్చ శ్రీనివాస్. ఈరోజు మనము హనుమాన్ టెక్కడి సాయం కోలివాడ శివ కళ్యాణ్ కేంద్రంలో ఉన్నాము. విశ్వ హిందూ పరిషత్ ద్వారా ఇది నడిపించబడుతుంది. ఇక్కడ అశోక్ సింగల్ రుగ్ణ సేవా సదన్ అని చెప్పి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి సేవ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఈరోజు మన మధ్యలో ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తి శ్రీ మొహమ్మద్ ఫయాజ్ ఖాన్ గారు ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్నారు. అద్భుతం ఏంటంటే ఆయన ఒక మొహమ్మదీయుడు అయ్యి ఉండి కూడా హిందూ మతం గురించి ఇంత అవగాహన ఉండి హిందూ మతానికే అంకితమైపోయారు. తన జీవితాన్నే గోసేవ కోసం అంకితం చేసేశారు. ఆయన కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, మళ్ళీ కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు ఇట్లా 14,000 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేస్తూ గోసేవ గురించి ఈ భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కల్పిస్తూ గోసేవ గురించి ఆయన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఇక్కడ 11,000 కిలోమీటర్లు నడిచి ఇప్పుడు ఆయన ముంబై నగరానికి వచ్చారు. ముంబై నగరం నుండి ఆయన అమృత్సర్ వెళ్ళి అక్కడ ఆయన తన 14,000 కిలోమీటర్ల పదయాత్రని సమాపన చేస్తారు, ముగిస్తారు. అయితే ఇప్పుడు నేను మొహమ్మద్ ఫయాజ్ గారిని కోరుకునడం ఏంటంటే, మన హిందూ మరియు తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఆయన గోసేవ గురించి తన సందేశాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయనను కోరుకుంటున్నాను. ఖాన్ సాహబ్, ఆప్ హమారే హిందూ ఆర్ తెలుగు के जो श्रोता है, जो भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए आप प्लीज़ गो सेवा का संदेश आप प्रस्तुत करें. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के सेवा केंद्र में बैठे हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. और सत्य सनातन धर्म की जो वास्तविक छवि है उसे दिखाता है ये विश्व हिंदू परिषद का सेवा केंद्र, जो सत्य सनातन धर्म में कहा गया जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवाया, कि जीव जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करना. वो यहाँ पर केवल सैद्धांतिक रूप में नहीं अपितु व्यवहारिक रूप में भी दिखाई देता है कि किस तरीके से रोगियों के ठहरने की उचित व्यवस्था, उनकी सेवा की उचित व्यवस्था, उनके भोजन की उचित व्यवस्था. विश्व हिंदू परिषद के समस्त साथियों को प्रणाम करता हूँ. गो सेवक मैं मोहम्मद फैज खान. ये गो सेवा सद्भावना पद यात्रा चल रही है. जिस तरीके से मंदिर की प्रदक्षिणा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमने भारत को विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना, क्योंकि यहाँ पर पारसी सुरक्षित, बौद्ध सुरक्षित, मुस्लिम सुरक्षित, ईसाई सुरक्षित, सनातन धर्म के जितने भी पक्ष हैं वो सभी यहाँ पर सुरक्षित हैं. तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारतवर्ष हुआ, तो इसकी प्रदक्षिणा करने की हमने सोची. इसलिए हमने लेह लद्दाख से पदयात्रा प्रारंभ की. लेह लद्दाख से कन्याकुमारी गए और कन्याकुमारी से अब अमृतसर जा रहे हैं. कुल 14,000 किलोमीटर की ये यात्रा लगभग 2 वर्ष में पूरी होगी, जिसमें से हम लगभग 11,000 किलोमीटर मुंबई में पूरा कर चुके हैं. यानी लेह से कन्याकुमारी हम पूरा कर चुके हैं, अब कन्याकुमारी से अमृतसर जा रहे हैं. गो सेवा का संदेश देने, प्रकृति सेवा का संदेश देने, नदी सेवा का संदेश देने, अखंड भारत का संदेश देने, भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए पदयात्रा चल रही है. और ये जो जिस मीडिया के सामने मैं बैठा हूँ, मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देश का जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 90% खबरें झूठी दिखा रहा है. मैं जब पैदल चला तो मुझे ऐसे ऐसे इस देश के रहस्य पता चले, इतना प्यारा मुझे हिंदुस्तान दिखाई दिया. मैं सिंधु नदी का जल लेकर चला कि रामेश्वरम के शिवलिंग पर अर्पित करूंगा, तो मुझे रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, जो सुनी सुनाई बात कहने वाले हैं, देखिए मीडिया ने कैसा भ्रम फैला रखा है, कहा कि रामेश्वरम के मंदिर में मुसलमान को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. लेकिन मैं सिंधु का जल पैदल लेकर 8,000 किलोमीटर पैदल चलकर रामेश्वरम के मंदिर में गया, और जब वहाँ के पुजारियों को सूचना मिली, हिंदू मुंडनी के अध्यक्ष राममूर्ति जी को सूचना मिली, तो रामेश्वरम मंदिर के सभी पुजारी, 8 से 10 पुजारी मुझे लेने के लिए रामेश्वरम मंदिर के पश्चिम द्वार पर आए और मेरा सिंधु का जल ले जाकर रामेश्वरम मंदिर में अर्पित किया और मुझे उस जगह पर बैठाया जहां कई बड़े बड़े भक्तों को भी बैठने का अवसर नहीं मिलता है. तब मैंने पाया ये मीडिया द्वारा जो
एक भ्रांति फैलाई जाती है कि इस मंदिर में मुसलमान को प्रवेश नहीं है, वहाँ दलित को प्रवेश नहीं है, वहाँ इस समुदाय को प्रवेश नहीं, ये सब कोरी मनगढ़ंत बातें हैं। भारत पूरी दुनिया के लिए आदर्श देश है जहां हर मत मजहब पंथ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो ये मैंने अपने अनुभव से पाया इस पदयात्रा के माध्यम से। इस पदयात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं जो हमें विश्व हिंदू परिषद में प्रत्यक्ष दिखाई दिया, आज वनवासी समाज के एक भागवत कथाकार यहाँ पर कथा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये क्यों सामने आए, ये वनवासी कथाकार हमारे सामने कैसे सामने आए? मेरे भगवान रामचंद्र जी जब पैदल चले तब निषादराज से मिल पाए, केवट से मिल पाए, तब वो शबरी से मिल पाए, तब वो जटायु से मिल पाए, तब वो हनुमान जी से मिल पाए। हमारे वनवासी भाइयों तक भगवान की पहुंच तब बनी जब वो पैदल चलकर गए। तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ये पद यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि हवाई जहाज से रेलगाड़ी से इस देश की सही दशा दिशा को नहीं जाना जा सकता। वनवासी भाइयों का सही यदि हमें कल्याण करना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो जिस अंत्योदय की हम बात करते हैं, उस अंतिम व्यक्ति का यदि हमें उदय करना है तो हमें पैदल चलकर वहां तक पहुंचना होगा। इसलिए मैंने ये पदयात्रा की है। देखिए, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा रोग, एक बहुत बड़ा कैंसर पल रहा है, जिस कैंसर के समाधान के लिए हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू बीड़ी सिगरेट तो है ही, लेकिन जो लोग तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे हैं उनको भी कैंसर हो रहा है यूरिया और पेस्टिसाइड के कारण। यदि फिर से हम गाय का गोबर प्रयोग करना अपने खेतों में चालू कर दें तो समाज में कैंसर नहीं फैलेगा। हमारे शरीर में 70% जल है, जल तत्व की शुद्धि गोमूत्र से होती है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की शुद्धि घी से होती है। हमारे शरीर में वायु तत्व है, वायु तत्व की शुद्धि दही से होती है। हमारे शरीर में आकाश तत्व है, उसकी शुद्धि दूध से होती है। पंच तत्व की शुद्धि पंचगव्य से होती है। ये संदेश देने के लिए हम चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वेद में गावो हिंदुस्य मात्रा, गावो मुसलमानस्य मात्रा, गावो सिखस्य मात्रा, गावो ईसाईस्य मात्रा नहीं कहा गया। वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मात्रा, गाय जितनी माता आपकी है उतनी मोहम्मद फैज खान की है। गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र हर व्यक्ति की आवश्यकता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गाय का दूध पियो, क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका गोश्त बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? आज ईसा मसीह का जन्म चर्च में मनाया जाता है, पब में मनाया जाता है, बार में मनाया जाता है, सी बीच पे मनाया जाता है, पर ईसा मसीह का जन्म तो गौशाला में हुआ। सबसे पहले जिंगल बैल गो माता ने गाया, नंदी ने गाया, एक भेड़ ने गाया, बकरी, ये सारे प्राणी गौशाला में मौजूद थे। ईसा मसीह को पहला भोजन जो मिला वो गौ माता का दूध मिला, पहला बिस्तर मिला गौ माता का, चारा मिला, पैरा मिला। और अफसोस की बात यह है कि हमारे ईसाई भाई आज गौशाला में ईसा मसीह का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। ईसा मसीह का जन्मदिन गौशाला में ही मनाया जाना चाहिए। सब धर्मों में गाय का महत्व है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, किसी की भी कथा हो, गो माता, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी के बिना पूरी नहीं हो सकती। गाय के नाम पर नफरत, हिंसा, दंगा फसाद ना हो, प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारा हो, ये संदेश देने हम पैदल चल रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद कीजिए, 10 मिनट की नफरत फैलाने वाली खबर एक महीना आप प्राइम टाइम में दिखाते हो। मैं 22 महीने से पैदल चल रहा हूँ, आप मुझे 2 मिनट भी नहीं दिखाते हो, क्योंकि मैं तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए चल रहा हूँ। और इस मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे सुना और समय दिया और सही खबर लोगों तक पहुँचाई। जय गो माता। बहुत बहुत धन्यवाद। ఈరోజు ఈ హనుమాన్ జయంతి కార్యక్రమాల సందర్భంగా ఈరోజు మరొక గొప్ప వ్యక్తిత్వం మన మధ్యలో ఉన్నారు. ఆయన పేరు భాయ్ సురేష్ యాదవ్ జీ. ఆయన పతంజలి యోగ్ పీఠ్ బాబా రామ్దేవ్ గారి మహారాష్ట్రలో ఆయన మెయిన్ చీఫ్ ప్రభారి. ఆయన్నే ఆయన బాబా రామ్దేవ్ది మహారాష్ట్రలో ఏ పని అయినా కానీ ఆయన చూసుకుంటారు అన్నమాట. అయితే ఈరోజు ఆయనని రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనందరికీ ఒక చిన్న మెసేజ్ ఈ సందర్భంగా ఆయన ఇవ్వాలి. సురేష్ జీ, ఆప్ ఏకే తెలుగు మీడియా కి తరఫ్ సే ఆప్కా బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ హై. హమారే ఈ జో కార్యక్రమ్ దేఖ్ రహే హై హమారే హిందూ భాయ్ బహన్ ఆర్ తెలుగు భాయ్ బహన్ ఉన్కే లియే ఆప్ క్యా మెసేజ్ దేనా చాహెంగే? నమస్కారం.
पहले तो मैं आदरणीय भाई श्रीनिवासन जी आपको और आदरणीय भाई जो हमारे अशोक जी हैं जो इस तेलुगु मीडिया से हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो हिंदू संस्कृति को लोगों के बीच में पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं एक बहुत सराहनीय एक कदम है, बहुत ही बड़ी बात है। आज हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हिंदू होता क्या है। हिंदू के ऊपर बहुत सारी बातें आती है, कोई बोलता है सिंधु सिंधु नदी के नाम से आया, कोई फिर उसका सिंधु प्लस हिंदू बोल करके बोलते इससे हिंदू बना। मैं तो एक ही बात जानता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू का मतलब होता है संस्कृति, और ये जो संस्कृति के बारे में यदि मैं बात करूँ तो भारतीय जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, वो लगभग 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी है। और अगर हम भाई हमारे मुस्लिम भाइयों की बात करें तो उनका जो जो उनकी जो संस्कृति है वो लगभग 1400 साल में सिमट करके रह जाती है। उससे पहले कोई यहाँ पर इस धरती के ऊपर उनकी कोई संस्कृति नहीं थी। मैं ईसाई भाइयों के बारे में यदि बात करूं तो लगभग 2000 वर्ष पूरा अगर आप पहले जाएंगे तो उनकी जो है संस्कृति वहां पे ख़त्म हो जाती है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, मैं चाइना की बात करूं या पूरे विश्व की पूरी दुनिया की बात करूं तो लगभग 3000 वर्ष के अंदर लगभग पूरी दुनिया सिमट करके रह जाती है। लेकिन हमारे इस इतिहास के अंदर, इस देश के अंदर एक बहुत ही गलत पढ़ाया गया, हमारे जब इतिहास है उसमें पढ़ाया गया कि भारतीय संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है, जो कि बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारी जो संस्कृति है लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। और जो ये जो संस्कृति है इसके अंदर पूरी साइंटिफिक है। अभी आदरणीय भाई हमारे फैज मोहम्मद फैज जी जो बता रहे, खान साहब बता रहे थे गौ माता के बारे में, एक ऐसा कोई देश बता दे जो गाय को माता, मतलब हमारा एक ऐसा देश है जो गाय को माता बोलता है और अपने भारत देश को भी माँ बोलता है, भारत माता बोलते हैं। और गो का जो है आदरणीय भाई साहब ने जो इसके जो फायदे बताए वो अद्भुत फायदे हैं। गोमूत्र से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती इस दुनिया के अंदर। आज लोग कैंसर से पीड़ित हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन गोमूत्र यदि वो डेली सेवन करें तो ठीक हो सकते हैं। उसी बात को आगे मैं अगर लेके जाऊँ वेदों के बारे में, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है इत्यादि जो हमारे हैं उनमें एक एक चीज़ जो है वो साइंटिफिक लिखी हुई है। और वेद किसने लिखा कोई बताने वाला नहीं इस पृथ्वी के ऊपर। और किसी की भी अगर आप किसी भी धर्म की या किसी भी संस्कृति की अगर बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान की बात करें, अमरीका की बात करें, चाइना की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो उनका एक लिखा हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ। लेकिन भारत की यदि आप खोज करेंगे तो उसका जन्म कोई बता नहीं पाएगा। तो अनादि है, अनंत है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो जिसका कभी जन्म नहीं होता है वो अनादि है, भगवान है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है, उसको मिटना है। अभी फिर हम योग के ऊपर आते हैं तो शास्त्रों में एक एक चीज़ के बारे में दिया हुआ है। योग से आपका शरीर ही ठीक नहीं होता है, आपका जीवन बदल जाता है। योग के करने से आप आध्यात्मिक बन जाते हो, आप मानव से महामानव बन जाते हो, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है, सिर्फ आपको उसको जागृत करना है, उसके उसको ऊपर उठाना है। और योग का आप जब देखेंगे तो सांसों पे टिका हुआ है। उसके बाद जब हम आसन इत्यादि करते हैं तो आज से हजारों साल पुराना पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोज कर दी थी कि मेंढक मीन्स मंडूक आसन करने से आपको डायबिटीज खत्म हो जाती है। अगर आज की बात करें तो आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि मेंढक आसन करने से, मंडूक आसन करने से डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि मंडूक जो मेंढक है उसको डायबिटीज नहीं होती है। गोमुख आसन, गाय का जो गाय है हमारी जैसे बैठती है वैसे अगर उसको आप आसन करें, उसको बोलते हैं गोमुख आसन, तो उसका अस्थमा आपका ठीक हो जाता है, आपकी यौन संबंधित बीमारी ठीक हो जाती है, आपके जो और शरीर के अंदर जो भी बीमारी है, दमा है, खांसी है, जुकाम है, आपको टीबी इत्यादि की जो बीमारियां हैं, आपको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम्स है इत्यादि जो है सिर्फ गोमुख आसन में बैठने से ठीक हो जाती है। आप क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल है, सांप है इत्यादि, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है क्रोकोडाइल की बहुत मजबूत होती है। आपने देखा होगा कभी पानी में जब क्रोकोडाइल चलता है और जब उसको कुछ देगा तो उल्टी जो वो पलटी मार देता है, लेकिन उसकी कमर में कभी भी कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे क्रोकोडाइल अगर हम वो करते हैं, आसन करते, तो हमारी कमर ठीक हो जाती है, हमारे जो
हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां ठीक होती है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये संस्कृति है, वैदिक जो संस्कृति है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, ये राजनीतिक कारण हो सकता है, कुछ और भी कारण हो सकता है जिससे हमारे इसको गलत प्रचार किया गया। तो मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस जो भारतीय संस्कृति को आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो। तो मैं सिर्फ तेलुगु के लोगों को ही नहीं, इस पूरे विश्व के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप वेद शास्त्रों में, वेद में, शास्त्र में, अपने धर्म में निष्ठा रखना। निष्ठा एक बहुत बड़ा शब्द है, निष्ठा मीन्स विश्वास, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, अखंड निष्ठा रखनी चाहिए अपने माता पिता के अंदर, अपने धर्म के अंदर, अपने वेद के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर, हर चीज़ में निष्ठा रखनी चाहिए। आज लोगों को जाति में, धर्म में, इसमें बांट दिया गया है। जब मैं बात कर रहा था वैदिक धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, वेदों में, शास्त्रों में कहीं पर भी कहीं जाति का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी किसी धर्म का जिक्र नहीं है। वेद में एक ही चीज़ कहा गया है कि मानव जाति, मनुष्य जाति ही सबकी एक जाति होती है, और भगवान ने भी इसको हमें चार उसमें वर्णों में बांटा है, वेदों में लिखा है कि चार वर्णों में जो है व्यक्ति की एक जाति होती है। दिमाग से जो जो प्रजावान है, दिमाग है, उससे वो पंडित होता है। तो हम यहाँ से पंडित हैं, यहाँ अगर जब बुझाओं में जो बल होता है, तो यहाँ से हम जो है क्षत्रिय हैं, यहाँ से जब हमें खाने के लिए कमाना पड़ता है तो हम यहाँ से वैश्य हैं, और जब हम अपने पैरों से चल करके गंदी गंदी कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम शूद्र बन जाते हैं। तो सारी की सारी जाति हमारे शरीर के अंदर ही, हम चार जाति में सब बटे हुए हैं। तो ये जो जाति है, ये जो जात पात है, या धर्म के बारे में है, लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है, ये कुछ नहीं होता है। एक जाति होती है, वो मनुष्य जाति होती है। और मैं लास्ट में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, क्योंकि आज उस व्यक्ति की वजह से आप एक छोटे से गांव से निकले, एक किसान के घर में पैदा हुए, जिनके माता पिता अनपढ़ थे, उनके पास में पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, और वहाँ से उन्होंने गुरुकुल और जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ करके, सेकंड हैंड किताब लेकर के इस पढ़ाई को पूरा किया, गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई की, और हिमालय में जा करके ध्यान लगा करके सिद्धि प्राप्त की, और वहाँ से भगवान ने कहा बेटा तेरा काम यहाँ पे नहीं है, जा करके दुनिया को योग सिखाओ। और आज पूरे विश्व में जो योग का डंका बज रहा है, तो उसमें जो है श्रेय स्वामी रामदेव जी महाराज को जाता है। और उसके साथ मैं आदरणीय मोदी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक मोहर अगर लगाई है तो आदरणीय मोदी जी ने लगाई है, तो आने वाले समय में इस टाइप के नेताओं को भी हमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय संस्कृति इससे बची रहेगी, देश बचा रहेगा। देश है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा है राष्ट्र है, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती है। तो मैं आप अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।